बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन है, अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 12 एंड हुज डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर्स। अमजद ने दो नंबर्स के बारे में सोचा, अगर हम उनको प्लस कर लें तो इससे 12 आता है, अगर इसको डिफरेंस कर लें यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो इससे 4 आता है, तो वो दो नंबर्स कौन से हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। एक्स मैंने पहला नंबर लिया और सेकंड नंबर मैंने लिया वाई। कंडीशन ये है कि अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें मींस एक्स प्लस वाई ये बराबर है 12 का, और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें मींस एक्स माइनस वाई कर लें तो ये बराबर है 4 का। तो ये हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गए। इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक्स और वाई मींस फर्स्ट और सेकंड नंबर को मालूम कर लेंगे। इसको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि यहाँ पर इसको मैट्रिसेस से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये चैप्टर मैट्रिसेस का है, तो हम इसको अब ये मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 1, कोएफिशिएंट ऑफ वाई भी है 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर है 1 और कोएफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ पर है -1। इनटू जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं यहाँ पर तो वो है एक्स और वाई इज इक्वल टू 12 और 4। ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गया, ये ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स हो गया और ये बी का मैट्रिक्स हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो दो मेथड हमने पढ़े थे, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक क्रेमर रूल, हम इन दोनों मेथड में से एक पर इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसको क्रेमर रूल से सॉल्व करता हूँ। तो क्रेमर रूल में हम जानते हैं कि एक्स बराबर होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट, और वाई बराबर होता है ए वाई डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट। तो पहले मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 1, 1 और -1। ये ए का मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 1 मल्टीप्लाई बाई -1 -1 मल्टीप्लाई बाई 1। सो 1 1s are 1 -1 -1 1s are 1 -1 -1 से -2 आता है। अब मैं ए एक्स का मैट्रिक्स फाइंड करता हूँ, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो ए एक्स में हम फर्स्ट कॉलम की जगह 12 और 4 लगा लेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है तो इसकी जगह आ जाएगा 12, 4, और सेकंड कॉलम अपनी जगह पर आ जाएगा 1 और -1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें 12 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12 1s are 12 -12 -4 1s are 4, तो इससे आता है -16। इसी तरह अब हम ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। सो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो ए वाई में हम अब सेकंड कॉलम की जगह 12 और 4 लगा लेंगे। बी का मैट्रिक्स हम 12 और 4 जो है वो हम सेकंड कॉलम की जगह लगाएंगे। फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पर आ जाएगा जो कि है 1 और 1, सेकंड कॉलम 1 और -1 की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 12 और 4 इज इक्वल टू 1 multiply by 4। डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -1 multiply by 12। सो 4 1s are 4 -12 1s are 12, 4 - 12 से आता है -8। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिए हैं, तो हम सिंपल फार्मूले में वैल्यूज़ लगा लेंगे। एक्स बराबर है
ए एक्स डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट है -16 बाई ए डिटर्मिनेंट है -2। इसको सॉल्व कर लें, 2 1 2 2 8 16 इस एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 8। तो फर्स्ट नंबर बराबर हो गया 8 का, ये हमारे पास है फर्स्ट नंबर क्योंकि x हमने फर्स्ट नंबर लिया था। और सेकंड नंबर y हमने लिया था, y बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट, तो ए वाई डिटर्मिनेंट है -8 बाई ए डिटर्मिनेंट है -2। दिस इम्प्लाइज ये दोनों कट गए, 2 1 2 2 4 8। सो एक्स सो वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास है सेकंड नंबर। जो दो नंबर फाइंड करने थे, एक नंबर आ गया 8 और दूसरा नंबर आ गया 4। अगर हम इन दोनों का सम ले लें तो 8 + 4 इज इक्वल टू 12। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो 8 - 4 इज इक्वल टू 4। जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये दोनों हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं।